हेलो दोस्तों, मैं हूं कंप्यूटर गुरु चैनल से सुनीत कुमार और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को हैकर से कैसे बचा सकते हैं और वायरस से कैसे बचा सकते हैं। हम सबसे पहले एंटीवायरस तो हम यूज़ करते ही करते हैं, बट एंटीवायरस के अलावा फिर भी हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे कि हमारे लैपटॉप या पीसी में वायरस एंटर ना हो सके और कोई भी हमारे डाटा को हैक ना कर सके। तो चलते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल जो कि कंप्यूटर गुरु के नाम से है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे देखिए आप सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ पे आप प्लीज़ इसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स देके हमें जो है गौरवान्वित करें, हमें अच्छे से सजेशंस दें ताकि जो हम नए से नए काम कर सकें। ओके, तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। हम कैसे अपने पीसी को जो है हैकिंग से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहला काम, हमने ऐसे कुछ हमारे लैपटॉप्स या पीसी के अंदर सेटिंग्स होती हैं जिनको कि हमने इनेबल किया होता है जो के हैकर्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है और जो कि वायरस के लिए एंटर करने का एक लूप होल होता है। तो हमने करना क्या है, हम सब उन जो वो जो चीज़ें हमारे लैपटॉप या पीसी के अंदर इनेबल हो रखी हैं उनको हमने डिसेबल करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने नेटवर्क में जाके राइट क्लिक करके नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ में जाएं। तो वेट करें, प्रॉपर्टी जैसे खुल जाती हैं तो जो भी आपका वायरलेस नेटवर्क है या जो भी नेटवर्क आपका चल रहा है उसको इंटरनेट जो चल रहा है और राइट क्लिक करें, उसको राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ को जैसे आप क्लिक करते हो तो देखिए ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क है, अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है तो आप ब्रॉडबैंड में कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये देखिए, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। तो दोस्तों फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग की आपको ज़रूरत नहीं होती है और इसलिए इसको कभी भी चेक नहीं रखना, इसको अनचेक कर दो। अगर आपको कभी फाइल शेयरिंग या प्रिंटर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको चेक कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। फिलहाल आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए आप इसको अनचेक करके और इसको ओके करें, इसको ओके करें और इसको क्लोज करें। उसके बाद आप आ जाओ चेंज अडॉप्टर सेटिंग में चले जाएं। चेंज अडॉप्टर सेटिंग में वाईफाई में ही जाना था, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। जैसे हमने पहला काम किया कि देखिए यहाँ पे अनचेक हो गया, अभी आप इसी की यहाँ पे नीचे आ जाएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 इसको आप क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। आपको सबको पता है कि आईपी वगैरह डालने के लिए आप इसी में जाते हैं, तो इसके अंदर जाके आप एडवांस पे क्लिक करें। राइट, एडवांस में क्लिक करके आपने आईपी सेटिंग, डीएनएस और विंस आप देख रहे हो, आप विंस में क्लिक करें। विंस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एनेबल LM होस्ट लुकअप है, LM होस्ट लुकअप जो है नेट बॉय सेटिंग्स भी हैं इसके नीचे। आप सबसे पहले इस एनेबल को जो है डिसेबल करना है, डिसेबल करके ये डिफ़ॉल्ट को यूज़ नेट बॉय सेटिंग फ्रॉम द DHCP सर्वर्स इफ़ स्टैटिक IP एड्रेस इज यूज्ड और द DHCP सर्वर डज नॉट प्रोवाइड नेट बॉय सेटिंग एनेबल द नेट बॉयस ओवर TCP IP। ये भी आपका जो है रिमोटली एक्सेस करवाने के लिए होता है तो आप इसको भी डिसेबल करें। राइट, डिसेबल नेट वॉइस ओवर TCP IP, एक आपने डिसेबल कर दिया, ये ऊपर इनेबल था उसको अनचेक कर दिया और इसको भी आप ओके करें, ओके करें, अगेन ओके करें। तो यहाँ पे आपकी चेंजेस हो गई हैं, आप इसको भी क्लोज कर दें। तो ये आपका जो है TCP IP का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट
अब आप विंडो और आर की प्रेस करें तो यहाँ पे आपकी जहाँ ये रन की पॉपअप खुल जाती है, यहाँ पे आपने टाइप करना है DCOMCNFG D config या DCOMCNFG करके आप टाइप करें और उसको एंटर करें या ओके करें। जैसे ही आप एंटर या ओके करते हैं तो देखिए अभी आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा कंपोनेंट सर्विसेज करके। तो कंपोनेंट सर्विसेज जो कंपोनेंट खुल गए इसको आप थोड़ा बड़ा कर लो, फुल बड़ा अगर हम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर्स दिखाई दे रहा है, इसको आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करके माई कंप्यूटर आ जाता है, उसको अभी हम क्लिक नहीं करेंगे, उसको हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। देखिए जैसे आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जनरल है, ऑप्शन है और डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, हमें अभी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके जो है काम करना है। डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके हम सबसे पहले ये देखिए इनेबल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम ऑन दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के ऊपर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन है उसको इनेबल किया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको इनेबल को अनचेक कर देंगे इसको, और यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पे, और इसको हम अप्लाई कर देंगे। और ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या ये करना है, यस, तो ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया। अभी कुछ चेंजेस आपको जो सर्विसेज पे करनी है, जो लोकल मशीन पे सर्विसेज चल रही हैं, सर्विस पे क्लिक किया तो हमने राइट साइड में देखिए पूरी सर्विस जो है हमारे पीसी पे आ गई, जितनी सर्विस भी काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सारी सर्विसेज आपके पीसी के लिए ज़रूरी नहीं होती और अननेसेसरी जो सर्विसेज चली रहती हैं, स्पेशली जो रिमोट एक्सेसिंग के लिए सर्विसेज होती हैं, उनको कभी भी आपने इनेबल नहीं करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैकर्स एंड वायरस जो है उन्हीं सर्विसेज की वजह से आता है। तो सबसे पहले हम जो है DNS क्लाइंट सर्विसेज देखते हैं। जैसे मैं DNS के लिए डी मारता हूँ तो अभी DNS पे आ जाएगा, ये देखिए DNS क्लाइंट। तो DNS क्लाइंट सर्विस जो है यहाँ पे आपको DNS क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको जो है प्रॉपर्टीज़ में जाएं, देखिए DNS जो है स्टार्टअप में ऑटोमेटिक किया हुआ है। अभी मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल अप्लाई और ओके कर दूंगा इसको। अभी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इनेबल भी कर सकता हूँ। ये देखिए DNS क्लाइंट इज डिसेबल, तो मैं चाहूँ तो इसको इनेबल कर सकता हूँ। अभी एक दूसरी सर्विस ये देखिए नीचे फैक्स सर्विस है, फैक्स सर्विस की हमें ज़रूरत नहीं है, फैक्स सर्विस की प्रॉपर्टीज़ में जाएँ और देखिए ये मैनुअल्स में जाकर डिसेबल कर दें इसको, यहाँ पे अप्लाई एंड ओके। फैक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप ऐसे होती है, आर में आप चले जाओ, रिमोट एक्सेस, रिमोट जितनी सर्विसेज आपकी रिमोट से स्टार्ट होती हैं आप सारी सर्विसेज को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे देखो रिमोट एक्सेस कनेक्शन, थोड़ा सा इधर करता हूँ मैं, हाँ, रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए मैनुअल्स हैं, इसको आप डबल क्लिक करिए तो इसको भी डिसेबल करें, अप्लाई ओके। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज यूज़र अलाउड, ओके, मैनुअल डिसेबल अप्लाई ओके। तो इस तरह आपने रिमोट की सर्विसेज डिसेबल कर दिया। उसके बाद उधर TCP/IP सर्विसेज होती हैं, TCP/IP नेट वॉइस हेल्पर करके सर्विस है, इसको भी आप जो है डिसेबल कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, मैनुअल्स में जाएं, डिसेबल करें, अप्लाई करें, ओके करें। तो फ्रेंड्स ये था कुछ ऐसी सेटिंग्स जिनको आप जो है अप्लाई करने के बाद आपका पीसी जो है वो हैकर्स के अटैक से बच जाएगा और जो वायरस का अटैक होता है उससे भी बच जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने लैपटॉप के अंदर ज़रूर करनी चाहिए, ताजो आपका लैपटॉप जो है वायरस फ्री रहे और कोई भी हैकर्स जो है आपके डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को हैक ना कर सके। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे कंप्यूटर गुरु चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें
और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें भेजें। आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का काम करेंगे और उम्मीद है कि आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड टाइम।